बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम लोग आए हैं गाँव और आप लोगों को एक बंदे से मिलाता हूँ। हाय ये है मेरा गाइस, कज़न और बहुत अच्छा दोस्त नूर अली शाह। और बस अभी फार्म में हमसे फार्म बने हुए और अभी यहाँ फार्म में गाय बताते हैं आप लोगों को। ये कितने महीने की हा? कितने महीने की? इसके 7 महीने हो गए। अंडे मंडे देती है ने? बहुत बड़े बड़े अंडे देती है। ये अंडों वाले मामा है। और गाय के अलावा इनके पास मुर्गियाँ भी बहुत सारी हैं जो कि अभी अभी सेटअप किया साथ। ये मुर्गियों का सारा सेटअप। टोटल कितनी मुर्गी है यार? एक 25 है, कुछ अंदर भी हैं। 25 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखा हुआ है इसने। और अभी ये अंदर भी जाते, वो 3-4 बीच में ऑस्ट्रोलॉप्स में, और ये मुर्गी बैठी है अंडे के। और ये इसलिए बनाया हुआ है कि मतलब जो भी नई मुर्गियाँ आए तो उनको पहले इधर रखते हैं अगर बीमारी वगैरह। आपके बचपन की साइकिल हमारे पास खड़ी। इनमें पानी डाल के मुर्गियों को देते हैं, वैसे तो आजकल प्लास्टिक वाले होते हैं। तेज खो का कहना था तुम रस्तों। गुलामीन शर्मा गए। और ये क्या हो रहा है नूर अली शाह? बस यार ये गैरेज बनाया अपनी लैम्बोर्गिनी और के लिए। लैम्बोर्गिनी नहीं, लैम्बोर्गिनी। और ये हुजरे की भी बड़ी तारीख है, इधर पश्तों की फिल्में भी बनी हैं बहुत सारी। तो अभी मुर्गियों का खाना बन गया तो वो उनको डालते हैं। इसमें क्या क्या मिक्स किया? प्याज, साग, रोटी, पराठा, पतीला, सालन। इसको अभी इन सारी मुर्गियों को डालेंगे। और इनसे रोज़ाना के कितने अंडे निकलते हैं यार? अभी तो जगह नहीं है, 6-7 हो जाते हैं। 25 मुर्गियों से 6-7 अंडे इसलिए आते हैं कि इनके साथ मुर्गा एक खावन दे। देखते हैं उस मुर्गी ने अंडा दिया है या नहीं, वो उठाते हैं। दूसरी मुर्गी भी बैठी हुई है अंडे के लिए। उसने तो अंडा दे दिया, दूसरी मुर्गी बैठी है अंडे के लिए। उठा बैठी है। नहीं 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 उठाओ, छोड़ो। अंडा उठाऊं कि नहीं? ना ना ना, तो बाहर निकलती है। ये सारी जख्मी हुई है, इसको किसी ने मारा वैसे ही। पकड़ पकड़ के उठा के मारे, बंद कर दो। ये उठ गई, छोड़ दो, उठा दिया। चलो उठ गई तो एक अंडा तो उठा ले। ये अंडा आ गया, ये सारी अंदर आ गई। तो अंडा भी आ गया, एक देसी अंडा, जिसको हम लोग जेब में डालेंगे, घर ले जाए, किसी को बताएंगे नहीं। मुर्गे मुर्गे कमरा निकल आता है अंडे वाला। इधर अंडे देती है मतलब। ये केज कितनी हाइट है कि मैं भी खड़ा हो सकता हूँ? 5.9 फुट मेरी है, 6-6.5 फुट है। फर्स्ट टाइम फीड डाली थी। और अभी कितने घंटों बाद ये डाले? सुबह फीड डालते हैं, खाने के बाद दो ड्राई हो जाए बच्चे। ये रे नूर अली शाह आपके लिए अंडा। वाओ। अभी हम लोग इधर क्रिकेट खेलने आए हैं और नूर अली शाह बादशाह भी हमारे साथ। ये पीछे सारे खेत हैं और भी इधर क्रिकेट खेलने आए हैं। मैच स्टार्ट है। ये निकल गया महद। तो अभी हम मैच खेल के आ गए और ये इसकी वजह से सारा मैच आ रहे हैं। दो मैच से दोनों हार गए हम लोग, और तीसरा मैच था वो अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे थे, लेकिन वो भी हार गए। वो भी और बस अभी घर जा रहे हैं। अभी देखते हैं मुर्गियों ने अंडा डाले कि नहीं डाले, और गाय को भी देखते हैं गाय ने कितने अंडे डाले। अभी जो है तो हम लोग मुर्गियों के फार्म वापस आ गए और ये साथ रोगनी लाए हैं चाय के साथ, अभी ये खाएं। और अभी देखते हैं मुर्गियों ने अंडे डाले हैं कि नहीं। और अंडा, और ये अंडा भी हम लोग खाएंगे। और ये नूर बादशाह हमारे इस बैग क्या क्या लाए हो? अंडा,
जो अभी उठा के लाए थे वही वाला अंडा है और चाय और वही रोग नहीं। आए हाय हाय हाय। तो अभी जो है तो हम लोग 9 बजे का टाइम और ये सामने नूर बादशाह भी बैठा हुआ है और अभी ये अपनी मुर्गियों के लिए दवाई बना रहे हैं। ये सारे कैप्सूल और दवाइयाँ मिक्स की हुई और अब इनको इन कैप्सूल्स में डालेंगे। ये बंद कर देंगे। कौन सा वाला है ये कैप्सूल रेडी हो गया बिल्कुल। ये 25 बनाने हैं। अभी आपको मिलाऊंगा एक ऐसे बादशाह से जो बड़ा बहुत बड़ा दोबारी है, दो बार तोप करता है। अभी आएगा छुप के, पहले तो इसे डराती है। ये हमारा सुल्तान बादशाह है। कंटेंट इस वक्त रात के 2 बजे का टाइम और हम इधर चाय बना रहे हैं। ये सुल्तान बादशाह ही बैठो, दूसरा बादशाह जो है तो अंदर है अभी घर में। तो हमारी चाय अभी रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर का जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।